एक गांव में बहुत पुराना पेड़ था। गांव के लोग उस पेड़ की पूजा करते थे और उससे मन्नत मांगते थे। उसी गांव में एक झोपड़ी में बहुत ही गरीब परिवार रहता था। मोहन और उसकी पत्नी सरला और बेटी पिंकी, उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। भूख से परेशान पिंकी अपने पिता मोहन से कहती है, पापा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। पिंकी मेरी बेटी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी जाता हूँ और हम सबके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मोहन अपने एक दोस्त मदन के पास जाता है और उसे अपनी सारी समस्या बताता है। मदन मेरे दोस्त, मैं बहुत परेशानी में हूँ, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरी बेटी और पत्नी भूखी रह जाएंगी। मना मत करना, मेरी मदद कर दो मेरे दोस्त, बहुत आशा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। जैसे ही मुझे कोई काम मिल जाएगा मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मोहन को तकलीफ में देखकर उसका दोस्त मदन कहता है, मोहन मेरे दोस्त तुम परेशान मत हो, मेरे पास ये थोड़े पैसे हैं, इन पैसों से तुम्हारा दो दिन का खर्च तो हो जाएगा, पर दोस्त इससे ज्यादा मेरे पास भी नहीं है। तुम्हें जल्द ही काम ढूंढना होगा, वरना ऐसे कब तक दूसरों से मांगते रहोगे। हाँ मदन तुम सही कह रहे हो, पर मैं क्या करूं, मैं रोज काम की तलाश में निकलता हूं पर कहीं कोई काम नहीं मिलता। मित्र क्या तुमने हमारे गांव में जो जादुई पेड़ है उसके बारे में सुना है, जो लोगों की मनोकामना पूरी करता है? हाँ मैंने सुना तो है, पर कभी मैं उस जादुई पेड़ के पास गया नहीं हूँ। इसीलिए तो तुम परेशान रहते हो। मेरे दोस्त गांव का हर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर जादुई पेड़ के पास जाता है, तो तुम क्यों नहीं जाते? मदन की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है और घर आकर सरला को भी बताता है। मुझे लगता है मदन भैया ने आपसे बिल्कुल सही बात कही है, मैंने भी कई बार आपसे ये बात कहनी चाहिए। तो फिर ठीक है, हम अभी उस जादुई पेड़ के पास चलते हैं। मोहन और सरला दोनों जादुई पेड़ के पास जाते हैं और जादुई पेड़ से प्रार्थना करते हैं। जादुई पेड़ को अपनी सारी समस्या बताते हैं। जादुई पेड़, हमारे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, बहुत आशा लेकर आपके पास आए हैं। जादुई पेड़ हमारी मदद करो, हम बहुत गरीब हैं, हमने कई बार आपके पास आने की सोचा पर ये सोचकर रह जाते हैं कि हम आपको क्या भेंट देंगे। आज भी हमारे पास आपको भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर हम बहुत परेशान हैं, इसीलिए आपके पास आ गए। जादुई पेड़ हमारी मदद कर दो, अगली बार हम आपके पास कुछ भेंट लेकर जरूर आएंगे। उन दोनों की बात सुनकर जादुई पेड़ उनसे कहता है, ठीक है तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं किस प्रकार से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जादुई पेड़ मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे कोई काम मिल जाए जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं और मेरी बेटी भूखी ना रहे। मोहन की बात से पेड़ खुश हो जाता है। मोहन तुम सच में बहुत भोले इंसान हो, यहाँ मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है धन सोना घर गाड़ी ये सब मांगता है, परंतु तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझसे सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए कुछ काम मांगा है। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हुआ। मोहन मैं तुम्हें कोई काम तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो तुम्हें खुद अपनी मेहनत बुद्धि और विवेक से हासिल करना होगा, पर मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। तभी पेड़ अपनी शक्ति से मोहन को एक जादुई सोने की थाली देता है। ये लो मोहन, ये जादुई सोने की थाली है, तुम इसमें जो भी वस्तु रखोगे वह सोने की हो जाएगी। मोहन तुम जब तक चाहो तब तक इस जादुई सोने की थाली का उपयोग कर सकते हो, और जिस दिन तुम्हें लगे कि अब तुम्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तब तुम इस थाली को मुझे वापस लौटा देना। मोहन और सरला जादुई सोने की थाली लेकर घर आ जाते हैं। तभी मोहन उस जादुई सोने की थाली में एक वस्तु रखता है और तुरंत ही वह वस्तु सोने की बन जाती है। यह देख वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे वे दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। मोहन अब एक बड़ा कारखाना खोलता है और बहुत लोगों को नौकरी देता है।
मोहन का पड़ोसी मनोहर रोज देखता है कि मोहन सबकी मदद करता है और वह बहुत अमीर है। मनोहर को मोहन से बहुत जलन होती है। आखिर इस मोहन के हाथ ऐसा क्या लग गया है जो ये इतनी जल्दी इतना अमीर हो गया है और लोगों की मदद भी करता है, इसका पता लगाता हूँ। तभी मनोहर मोहन के घर जाता है और चुपके से उनकी बातें सुनता है। सरला, अब हम बहुत सुखी हैं। जादुई पेड़ की दी हुई जादुई सोने की थाली से आज हमारे पास सब कुछ है। सरला, मुझे लगता है अब हमें इस जादुई सोने की थाली को पेड़ को वापस कर देना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमें इस जादुई सोने की थाली को जादुई पेड़ को वापस कर देना चाहिए। उन दोनों की सारी बातें मनोहर सुन लेता है। अगले दिन मोहन और सरला देखते हैं कि उनकी जादुई थाली गायब है। वे दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं और जाकर जादुई पेड़ को सब कुछ बताते हैं। तभी जादुई पेड़ उनसे कहता है, मोहन, सरला, तुम दोनों बिल्कुल मत परेशान हो। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। वो जादुई थाली जहाँ भी होगी मेरे पास आ जाएगी। पेड़ की बात सुन दोनों अपने घर चले जाते हैं। उधर मनोहर बहुत खुश होता है। ये सोचकर मनोहर जैसे ही उस थाली में अपने सारे रुपए रखता है, वे सब मिट्टी हो जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? मेरे सारे रुपए मिट्टी हो गए। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? हाँ, अब मैं इस थाली को बेच दूंगा और अपने सारे रुपए वसूल करूंगा। मनोहर के इतना कहते ही वह थाली भी गायब हो जाती है और मनोहर देखता रह जाता है। पत्नी के तानों से परेशान होकर मोहन गुस्से में अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था। पता नहीं क्यों मेरी पत्नी माला हर समय मुझे ताने देती रहती है। अब जब कहीं काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? दो मिनट भी सुकून से बैठने नहीं देती। हर समय चिक 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 करती ही रहती है। समझ नहीं आता उसे मुझसे मतलब है या पैसों से। बातों बातों में मोहन चलते चलते जंगल की ओर आ जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो जंगल है। माला की बातें सोचते सोचते मैं तो जंगल में आ गया। तभी अचानक मोहन की नज़र जंगल में एक पेड़ के पास गड्ढे पर जाती है, जिसमें कुछ चमक रहा होता है। अरे, इस पेड़ के पास ये गड्ढे में क्या चमक रहा है? मोहन उस गड्ढे के पास जाता है और देखकर हैरान रह जाता है। अरे, ये क्या? ये तो सोने की चक्की है। मोहन उस चक्की को उठाने लगता है कि तभी पेड़ से आवाज आती है। रुक जाओ, तुम ये सोने की चक्की ऐसे नहीं ले सकते। अगर तुम्हें ये सोने की चक्की चाहिए तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो तुम ये जादुई सोने की चक्की ले सकते हो, वरना नहीं। पेड़ की बात सुनकर मोहन पेड़ से कहता है, पेड़, अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर ना दे पाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। पर मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिए बगैर अगर तुमने ये सोने की चक्की ली तो तुम्हारी परेशानियाँ और बढ़ जाएंगी, और यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तो तुम हमेशा खुश रहोगे। ठीक है पेड़, तुम प्रश्न पूछो, मैं सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बताओ, हम पेड़ों को जीवित रहने के लिए वो क्या तीन चीजें हैं जो सबसे जरूरी हैं? पेड़ का प्रश्न सुनकर मोहन कुछ देर सोचकर उत्तर देता है। हाँ, पेड़ों को जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी है जमीन, पानी और प्रकाश। बिल्कुल सही जवाब, मैं खुश हुआ। जमीन से तो मैं जुड़ा ही हूँ और प्रकाश भी मुझे मिल रहा है, तो मेरे पास किस चीज की कमी है? पानी की। क्या तुम मेरी जड़ों में पानी लाकर डाल दोगे? हाँ हाँ पेड़, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी जड़ों में पानी लाकर डाल देता हूँ। तभी मोहन वही पास की एक नदी के पास जाता है और नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल देता है। यह देख पेड़ बहुत खुश हो जाता है और पेड़ मोहन से कहता है, वाह, तुम एक अच्छे इंसान भी हो, तुमने मेरी जड़ों में पानी डाला,
अब ये जादुई सोने की चक्की तुम्हारी हुई, तुम इसे ले जा सकते हो। लेकिन सुनो, तुम इस जादुई सोने की चक्की पर कुछ भी रखोगे तो वह सोने की बन जाएगी, लेकिन इसका उपयोग तुम दिन में सिर्फ एक बार ही कर सकोगे। अगर लालच किया और एक बार से अधिक इसका उपयोग किया तो यह गायब हो जाएगी और इससे पाई हुई सारी वस्तुएं भी गायब हो जाएंगी। ठीक है पेड़, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये कहकर मोहन उस जादुई सोने की चक्की को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी माला को बताता है। वाह वाह, ये हुई ना बात, आज मैं बहुत खुश हुई। आज तुमने मेरी जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन माला, पेड़ ने जो बात बताई है कि इस जादुई चक्की का उपयोग एक दिन में सिर्फ एक बार ही करना है, एक बार से अधिक नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, वरना ये चक्की गायब हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बार इस चक्की का उपयोग तो करके देखूं, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। माला जल्दी से घर की एक वस्तु लाकर चक्की पर रख देती है। देखते ही देखते वह वस्तु सोने की बन जाती है। ये देख माला और मोहन बहुत खुश होते हैं और उस वस्तु को बेचकर मोहन को खूब सारे रुपए मिल जाते हैं। अब माला और मोहन रोज ऐसा ही करते। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अमीर हो गए। उसी गांव में मोहन का दोस्त मदन भी रहता था। मदन की पत्नी विमला को जब मोहन के बहुत अमीर हो जाने की बात पता चली तो विमला गुस्से में मदन से कहती है, देख रहे हो, तुम्हारा दोस्त दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है और तुम आज भी गरीबी में ही जी रहे हो। विमला, कहे तो तुम सही रही हो, पर अब इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ। पता नहीं कैसे मोहन इतनी जल्दी इतना अमीर हो गया। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो, क्योंकि अब और इस गरीबी में नहीं रह सकती मैं। जाओ और अपने दोस्त से उसके अमीर होने का राज पूछो, वो तो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें तो बता ही देगा। विमला की बात सुनकर मदन अपने दोस्त मोहन के पास जाता है और मोहन से उसके अमीर हो जाने का राज पूछता है। मोहन अपने दोस्त को जादुई सोने की चक्की वाली सारी बात बता देता है। मदन भी जाकर सारी बात विमला को बताता है। अच्छा, तो ये राज है आपके दोस्त के इतनी जल्दी अमीर हो जाने का। सुनो, मुझे भी उस पेड़ की जादुई सोने की चक्की चाहिए। तुम अभी जंगल जाओ और जादुई चक्की लेकर आओ। लेकिन विमला, अगर उस पेड़ ने मुझसे भी कोई प्रश्न पूछा और मैं उसका उत्तर ना दे पाया तो? तुम पेड़ के एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। कुछ भी करो, लेकिन जंगल जाओ और उस पेड़ से जादुई सोने की चक्की लेकर ही घर आना, समझे? मदन जंगल में उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है पेड़ के पास गड्ढे में सोने की चक्की है, जिसे देख मदन बहुत खुश होता है। तभी पेड़ मदन से कहता है, क्या तुम्हें भी जादुई सोने की चक्की चाहिए? हाँ पेड़, मुझे भी ये जादुई सोने की चक्की चाहिए। तो पहले मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी तुम यह जादुई सोने की चक्की ले सकते हो। हाँ पेड़, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, तुम प्रश्न पूछो। ठीक है, तो बताओ, हम पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पेड़ का प्रश्न सुनकर मदन भौचक्का रह जाता है। अरे ये क्या, मोहन ने जिस सवाल का उत्तर मुझे बताया था वो सवाल तो पेड़ ने पूछा ही नहीं। पेड़ ने तो सवाल बदल दिया, अब मैं क्या करूं? पेड़ के सवाल का उत्तर कैसे दूं? पेड़ कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ये तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, अब क्या करूं? क्या सोच रहे हो, मुझे जल्दी उत्तर दो, मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे सकता। तभी अचानक वहां विमला आ जाती है और विमला पेड़ से कहती है, पेड़, अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं तो? ठीक है, अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगी तो ये जादुई सोने की चक्की तुम्हारी हो जाएगी। विमला पेड़ से दोबारा प्रश्न पूछने को कहती है और पेड़ का प्रश्न सुनकर उसका उत्तर देती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। बिल्कुल सही जवाब,
मैं खुश हुआ। ले जाओ, अब ये जादुई सोने की चक्की तुम्हारी हुई। और एक बात याद रखना, इसका उपयोग एक दिन में एक बार ही कर सकोगे, और यदि अधिक बार करोगे तो यह गायब हो जाएगी। मदन और विमला दोनों जादुई सोने की चक्की लेकर घर आ जाते हैं। तभी मदन विमला से कहता है, विमला, अचानक तुम जंगल में कैसे आ गई थी? क्योंकि मैं जानती थी तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात ही नहीं पेड़ के सवाल का उत्तर देना। अच्छा ठीक है, तुम्हें जादुई सोने की चक्की तो मिल गई, अब ये सोचो हमें जल्दी से अमीर कैसे बनना है। तभी विमला चक्की पर एक वस्त्र रखती है और देखते ही देखते वह सोने की बन जाती है। ये देखकर मदन और विमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हाँ, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, चक्की ने तो सच में इस वस्तु को सोने की बना दी, अब तो हम भी जल्दी ही अमीर हो जाएंगे विमला। हाँ हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इस चक्की ने सच में इस वस्तु को सोने की बना दी, अब मैं घर की सारी चीजों को सोने की बना दूंगी। तभी विमला चक्की पर दूसरी वस्तु रख देती है और तुरंत ही वह चक्की गायब हो जाती है और उससे बनी सोने की वस्तु भी गायब हो जाती है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं और उन्हें पेड़ की बात याद आती है। अरे मैं तो पेड़ की बात भूल ही गई थी, हाय ये मैंने क्या कर दिया। दोनों अपना सिर पकड़कर रह जाते हैं।